तो आज हम सरवाइव करने वाले 100 डेज इस सर्वाइवल फॉरेस्ट के अंदर, और इन 100 डेज में अपने कुछ गोल भी होने वाले हैं। सो अपना पहला गोल है अपने लिए एक आर्मर बनाना। अपने दूसरे गोल के अंदर हम प्यारा सा विलेज ढूंढने वाले हैं। एंड फाइनली हम अपने तीसरे गोल के अंदर 10 ऐसे भयानक ज़ॉम्बीज को मारेंगे जो हमें मारने के लिए कहीं पर भी हो सकते हैं। ये सब इतना भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस जंगल के चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है और यहाँ पर रिसोर्सेज की भी काफी ज्यादा कमी होने वाली है। और अगर हम इन 100 डेज के अंदर मर जाते हैं तो हमें इस पूरे वर्ल्ड को ही डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं क्या 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। स्पॉन हो चुके थे डे वन के अंदर एक जंगल के अंदर, जहाँ पर हमने कुछ वुड इकट्ठा कर ली ताकि हम उसे अपने लिए टूल बना सके और एक छोटा सा घर बना सके, ताकि हम हमारी रात उस घर के अंदर गुजार सके और ज़ॉम्बी से बच सके। तो हमने सिंपली कुछ ब्लॉक बना ली उस वुड से और हमारे लिए एक लकड़ी और एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली। तो हमने सिंपली हमारी क्राफ्टिंग टेबल को स्पॉट कर लिया और उसके क्राफ्टिंग टेबल से कुछ शॉर्ट्स और कुछ पिकैक्स बना ली। अब हम निकल पड़े हमारे लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने। हमें वहीं पर ही हमें एक मुर्गी दिख जाती है जिसे हम मारकर चिकन इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम रहते तो अभी हमें सामने एक पिक दिख जाता है जिसको देख के हमें बहुत गुस्सा आ गया। अब हम उस पिक को मारने वाले हैं। तो हमने पिक को मारने के बाद हम निकल पड़े हमारे लिए एक प्यारा से घर के लिए जगह देखने, जहाँ पर हम रह सके और ज़ॉम्बी से बच सके। तो चलते चलते हमें एक अच्छी सी जगह देखने को मिल जाती है। तो इस जगह के अंदर हमने देखा एक हटने वाला बोम यहाँ पर बैठा हुआ था। तो सिंपली ये जगह हमें अच्छी लग रही है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं हमारे लिए घर के जगह। अब हम यहाँ पर हमने हमारे लिए जगह तो बना ली, लेकिन मेन काम था यहाँ पर ब्लॉक्स लगाना, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक की बहुत ही ज्यादा कमी थी। इसलिए हम निकल पड़े हमारे लिए ब्लॉक ढूंढने। तो हमने हमारे को यहाँ पर सबसे पहले एक पेड़ देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर का। तो हमने सिंपली इसे यहाँ से काट लिया है और हमारे लिए ब्लॉक इकट्ठा कर लिए। तो सिंपली हम इन ब्लॉक के इकट्ठा करके निकल पड़ते हैं यहाँ से और दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई अच्छी सी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सिंपली हमने यहाँ पर हमारी क्राफ्टिंग टेबल को निकाल लिया है और यहाँ पर इस ब्लॉक का ब्लॉक बना लिया इस पेड़ के टुकड़ों से। और ब्लॉक बनाने के बाद हमने एक गेट भी बना लिया ताकि हमारे घर के अंदर काम आ सके। तो सिंपली हम ब्लॉक लगा देते हैं और हमारे घर को तैयार करते हैं। तो सिंपली यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल हटा ली है और हमें थोड़ी सी और लकड़ियों की जरूरत थी। तो सिंपली सामने दिख रहे पेड़ को हमने यहाँ पर काट लिया है। तो इन पेड़ को काटने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा ब्लॉक हो चुके थे, तो यहाँ पर हमने इन ब्लॉक को लगा लिया है ताकि हमारा घर चारों तरफ से ढक सके और एक अच्छा सा घर लगने लग जाए और जिससे हम ज़ॉम्बी से बच सके। तो हमने यहाँ पर हमारे ब्लॉक लगा लिए है। ब्लॉक लगने के बाद अब मेन बात थी गेट की। तो गेट लगाने के लिए हमने यहाँ पर दो बड़े बड़े गेट लगा लिए ताकि इसके अंदर हमारे अलावा कोई जा। हमने यहाँ पर एक मुर्गी घुस चुकी थी जिसको हमने यहाँ से निकाल दिया। अब चारों तरफ से हमारा घर पैक हो चुका है। तो हम निकल पड़ते हैं हमारे लिए कुछ सामान इकट्ठा करने, क्योंकि रात होने से पहले हमें हमारे लिए कुछ चीजें निकालनी थी। तो रात हो चुकी है सिंपली यहाँ पर। तो ये ज़ॉम्बीज का बच्चा हमारे पीछे पड़ चुका है, तो हमें जल्दी से घर में जाना पड़ेगा और इसे बचना पड़ेगा। तो हम घर के अंदर आ चुके हैं, अब मिलते हैं आपसे। हम निकल पड़े हमारे लिए बेड बनाने के लिए शिप को ढूंढने, जो कि हमें सामने वाली पहाड़ी पे देखने को मिल जाती है। लेकिन हमारे बीच में और शिप के बीच में एक खाई होती है, इसलिए हम दूसरी तरफ से घूम के चले जाते हैं। घूम के जाने के बाद हमें थोड़ा और चलना पड़ता है और सामने हमें बेड देखने को मिल जाती है, जिसे हम मारकर अपने लिए वूल का ब्लॉक इकट्ठा कर लेते हैं और चलने लगते हैं। हमें 2000 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया 2000 ईयर लेटर। ओ सामने एक विलेज देखने को मिल जाता है, इसलिए उस विलेज के चारों तरफ घूम के हमने देखा ये विलेज कितना बड़ा है। तो हमने घर के अंदर जाके चेक करा कहीं हमें मालामाल चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि हम इस देश के सच्चे नागरिक है। तो यहाँ पर साले कंगाल यहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो हमने सोचा सरपंच के घर में तो कुछ हो सकता है ना, तो इसलिए हम सरपंच के घर में चले गए। तो साले की दीवारें काय से जमी हुई थी और ऊपर जाके देखा तो एक यहाँ पर चींटी तक देखने को नहीं मिली। सब सफा कर रखा था इस सरपंच जी ने, साला खुफिया जगह ले रखा होगा अपना मालामाल सामान। यहाँ जहाँ पर बीवी रख रखी है वहीं रखा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर चलते चलते हमने सामने देखा कि एक खेत के पास बहुत सारे आर्मर पड़ा थे और ब्लॉक्स पड़े थे। तो हमने जल्दी से यहाँ से आर्मर उठा लिए ताकि हमारा काम हो सके, हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो सके। जहाँ पर हमने बोला था कि हम आर्मर बनाएंगे, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें यहाँ पर आर्मर बनाया मिल जाता है, जो कि किसी ज़ॉम्बीज का हो सकता है जो सूरज की रोशनी के कारण मर गया होगा साला यहाँ पर। तो चलते चलते हम यहाँ पर ढूंढने लगे हमारे लिए घर, ताकि हम उसके अंदर आज की रात बिता सकें। तो हमें यहाँ पर सामने एक घर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एक काका सो रहे थे। काका को बिना जगाए हमने उसके सामान की देख रेख करना चालू कर दिया, जहाँ पर हमें नेदर रेड का आर्मर दिखा, जिसे हमने सिंपली हमारे चैट बॉक्स के अंदर डाल लिया है। और यहाँ पर बहुत ब्रेड भी देखने को मिल जाती है, जिस ब्रेड को भी हम हमारे पास लेने वाले थे, लेकिन हमें उससे पहले
नेदरराइट के आर्मर को हमारे अंदर लगाना था, क्योंकि यहाँ पर आयरन का आर्मर हमें बहुत परेशान कर रहा था, साले खुजली होती है आयरन के आर्मर में। तो नेदरराइट का आर्मर लगाने के बाद हमने चाचा को उठा दिया और यहाँ से भगा दिया, और हम सो पड़े चाचा के बेड पे। साले के चाचा के बेड पे तो खटमल रेंग रहे थे, इसलिए हमारी पीठ पे बहुत दर्द होने लग गया। तो चलते चलते ही हमें सामने एक जादूगर बाबा देखने को मिल जाते, जो हमें साइड से देखते हुए निकल जाते हैं। तो हमें नहीं लगा था कि हमारे पास कुछ करेंगे, लेकिन साले ने पीछे से वार कर दिया और हमारे ऊपर पॉइजन फेंक दिया। तो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं और पॉइजन से बचते हैं। तो पॉइजन से बचने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक खेत देखने को मिल जाता है, जहाँ पर चाचा अपनी फसल उगा रहे थे। तो चाचा से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फसलें देखने के बाद हमने ट्रेड करने की सोची। तो हम ट्रेड करने के लिए चाचा के पास गए, तो यहाँ पर चाचा की तो रेट ही बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तो इसलिए हम चाचा से ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतना सामान नहीं था। तो हम दूसरी तरफ जाके देखने लगे कि कहीं और दूसरे चाचा हमें खेती करते तो नहीं दिखेंगे, इसलिए सामने हमें एक पील पीला खेत देखने को मिल जाता है, जहाँ पर चाचा अपने लिए फसल उगा रखे थे। तो हमने सोचा कहीं चाचा की पूरी फसल हम ही काट के ले लेते हैं और चाचा को उसी से ट्रेड कर लेंगे, ताकि हमारा फ़ायदा बना रहे और चाचा को भी अपनी पील पीली फसल वक्त से पहले देखने को मिल जाए। तो हमने सिंपली यहाँ से पूरी फसलों को काटना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पर फसलें काटना तो शुरू कर ही दिया था, तो हम फसलें हमने यहाँ से पूरी काट ली और चाचा से ट्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन चाचा की ट्रेड तो बहुत महंगी थी, तो हमने जल्दी से पूरी फसलें काटना शुरू कर दिया, ताकि हमारे पास यहाँ पर चाचा के ट्रेड जितना माल हो सके। तो हमारे पास चाचा के ट्रेड जितना माल हो चुका है, तो हमने यहाँ पर ही चाचा की मेहनत को देखते हुए चाचा से ट्रेड कर लिया, ताकि उनको अपना माल चीजों के अंदर। तो हम एक चीज़ भूल गए थे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमें 10 ज़ॉम्बीज को मारना है, इसलिए हम निकल पड़े 10 ज़ॉम्बीज मारने के लिए। तो पहला हमने यहीं पर ही मार लिया और दूसरा भी उसके पास ही था, तो हमने उसे भी मार दिया। और तीसरे ज़ॉम्बीज को तो चलते चलते ही हमने उसे पीछे से तलवार घुसा के मार दिया। और चलते चलते ही हमें सामने की तरफ एक गोलम नाचते हुए दिखा, तो हम गए गोलम भैया के पास। गोलम भैया को बोला कि अब डांस क्यों कर रहे हो, तो गोलम भैया बोलते हैं कि हमने अभी अभी 2-3 ज़ॉम्बीज को मारा, तो हमें इसकी बहुत खुशी है, साले को हमारे इलाके में नहीं आने देंगे। तो सामने एक विलेजर का घर भी था, तो उस विलेजर के घर के अंदर ज़ॉम्बीज घुस गए थे और विलेजर को मार दिया। तो हमने अभी उसी ज़ॉम्बीज को मार दिया और बाहर जाके उन्हें भगा दिया, लेकिन भगाने से हमें कुछ ही नहीं मिलने वाला था, क्योंकि हमें ज़ॉम्बीज भी तो मारने थे, इसलिए हमें उन ज़ॉम्बीज को मार के 5 ज़ॉम्बीज को यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। अब बारी थी 5 और ज़ॉम्बीज को ढूंढने की। तो सबसे पहले हमें रातों से बचने के लिए वहाँ पर बेड पे जाके सो गए। अब बेड पे सोने के बाद हमें 5 ज़ॉम्बीज मारने थे, इसलिए हम चलते गए। जाने से पहले यहाँ पर एक खाई के अंदर हम गिर चुके थे, जहाँ पर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज और बहुत सारे यहाँ पर रेड स्टोन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लेकिन हमें तो रेड स्टोन से क्या मतलब है, हमें तो जाके ज़ॉम्बीज मारने थे। तो हमने यहाँ पर 7वें ज़ॉम्बीज को भी मार दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ भी थी और स्केलेटन भी थे, तो उन सबको मारने के बाद हमने 9 ज़ॉम्बीज को मार दिया। और यहाँ पर एक और मकड़ी हमारे पास आ चुकी, तो इसको मिला के हमने 10 ज़ॉम्बीज को पूरा ख़त्म कर दिया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में पसंद आया या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं और ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।